नमस्ते दोस्तों, तो आप सभी का जेडी स्टिच में स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखाऊंगे। क्या आपने कभी इस तरह से झाड़ू खींच जो इसी कुत्ती से भी कभी आपने ये डोरी निकाली है? तो मैं इसी तरह से निकालती हूँ। मुझे सुई धागे से निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से निकालती हूँ। तो ये हमारे पास ये झाड़ू होती है ना सेक वाली, तो इसी से मैं यहाँ पे निकालती हूँ। और मैं यहाँ पे बहुत ही पतली वाली और एकदम टाइट वाली डोरी निकालूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सिलाई कितनी कम मार्जिन पे लगाई है और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया हुआ है डोरी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल टाइट सी यहाँ पे एक झाड़ू वाली सीख ली है मैंने यहाँ पर। ऐसे नहीं कि झाड़ू हमारी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है या कुछ इस तरह से कि भी ये बिल्कुल ही इसमें लगाते ही टूट जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टाइट ली है और इस तरह से हम बंद वाली तरफ से हम थोड़ा सा कपड़ा इसके अंदर लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे इसको अंदर थोड़ा सा करने में और बाकी ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सुई धागे से मुझसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं इसी तरह से हमेशा डोरी निकालती हूँ। और उरे वाली पट्टी काटते हैं तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकल जाती है, तो ये सीधी पट्टी है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। और ये कपड़ा भी कॉटन वाला है तो इसलिए, तो इस तरह से हम यहाँ पर थोड़ा सा हमें यहाँ पर टाइम लग सकता है, वरना ये बहुत जल्दी आगे से हो जाएगी। और थोड़ा मैंने यहाँ पर पतली और कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया हुआ है कुछ, इसलिए तो मैं हमेशा इसी तरह से निकालती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही अच्छी निकल जाती है मुझसे। तो हम इसको आगे थोड़ा थोड़ा इस तरह से बढ़ाते जाएंगे और पीछे से हम इसको खींचते जाएंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा कम सिलाई लगाई हुई है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये बहुत ही जल्दी निकल जाती। ज़्यादा जल्दी हो जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा कम सिलाई हो गई है थोड़ा सी। तो यहाँ से भी हम अपने इस पे कपड़े को, तो यहाँ पे हम ज़्यादा कपड़े पे ही जोर लगाएंगे, इसी तरह से खींचते हुए इसे बाहर की तरफ ले जाएंगे और ये बहुत अच्छी सी डोरी यहाँ पे निकल के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मेरी डोरी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है और ये बहुत अच्छे से बाहर की तरफ निकलेगी।
तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे डोरी बना के तैयार किया है। मैं ज़्यादातर इसी तरह से हमेशा डोरी बनाती हूँ, सुई धागे से मुझसे नहीं बनती, या तो धागा टूट जाता है या फिर वो अंदर की तरफ मुझसे कपड़ा नहीं खींचता, तो मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। तो आप भी इसी तरह से ये ट्राई कर सकते हैं। प्लीज़ बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से यहाँ पे बन के तैयार हुई है, बिल्कुल टाइट जैसे कि मुझे चाहिए थी डिज़ाइन बनाने के लिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।